हरियाणा H9PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति लापता, खरखोदा के वार्ड संख्या 9 से एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। वार्ड संख्या 9 निवासी कृष्णा देवी ने बताया कि उसका पति राजेश कोई कार्य कहकर घर से बाहर गया था। जब वह घर वापस नहीं लौटा तो उन्होंने अपने स्तर पर कई स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन उसके पति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खरखोदा के BDS कॉम्प्लेक्स में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। PGI खानपुर की टीम द्वारा 64 यूनिट रक्त लिया गया। इस अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक मैनेजर मनोज वर्मा, सुरेंद्र शर्मा, प्रतीक राजकुमार शर्मा, अमन पराशर, एडवोकेट कमल शर्मा, पवन भारद्वाज, सौरभ पराशर, संदीप पराशर, डॉक्टर ज्ञान सिंह, राजू कोच, दीपांशु शर्मा आदि अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिविर में सहयोग किया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनहित परिषद खरखोदा व भगत सिंह युवा ब्रिगेड द्वारा किया गया। भारतीय जनहित परिषद चेयरमैन भरत शर्मा ने बताया कि युवाओं में रक्तदान करने की एक होड़ सी लगी हुई है। इस रक्तदान शिविर का आयोजन अनिल भारद्वाज की माता की पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया। जिन लोगों ने शिविर में पहुंचकर रक्तदान किया उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अभिभावक के सहयोग से विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास होगा। प्राचार्य दया दहिया। प्रताप सिंह मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरखोदा में अभिभावक अध्यापक मीटिंग का आयोजन हुआ। इस दौरान प्राचार्य दयादहिया ने बताया कि बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए अभिभावक एवं अध्यापक के विचारों का आदान प्रदान होना अति आवश्यक है। मीटिंग के दौरान विद्यार्थी की पढ़ाई एवं खेल की विकास रिपोर्ट, व्यवहार एवं विद्यालय में उपस्थिति आदि के बारे में पूर्ण जानकारी अभिभावकों को दी गई। अभिभावकों ने विद्यार्थी द्वारा घर पर गृह कार्य करने एवं परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार की जानकारी अध्यापकों को दी। अकेडमिक डायरेक्टर प्रताप स्कूल डॉक्टर सुबोध दहिया ने बताया कि अध्यापक व अभिभावक विद्यार्थी को साथ लेकर दोनों भविष्य की योजना तैयार करते हैं। CBSE ने लगाया वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण शिविर। गुरुकुल मटिंडो में CBSE की ओर से वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया, जिसमें अलग अलग विद्यालयों से काफी संख्या में अध्यापक पहुंचे और अध्यापकों को CBSE की तरफ से विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर कई स्कूलों के प्राचार्य ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान CBSE की तरफ से पहुंचने पर शिक्षकों ने बताया कि किस तरह से वित्तीय मैनेजमेंट किया जाता है। किसी भी संस्था के लिए वित्त का बहुत अधिक महत्व होता है। वित्तीय संसाधनों व वित्तीय खर्चों का कैसे मैनेजमेंट किया जाए, इस बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी और अध्यापकों को प्रशिक्षित किया। CBSE द्वारा इस तरह के प्रशिक्षण कैंप लगाए जाते हैं ताकि अध्यापकों को पूरी नॉलेज रहे और वे अपडेट रहें। इस कैंप में अमर शिक्षा सदन सिरसा, संस्कार विद्यापीठ गोहाना, JP जैन स्कूल सोनीपत, JPH स्कूल खरखुदा, स्टैनफोर्ड स्कूल थानाकला, बिरला चिल्ड्रन अकेडमी खरखुदा और गुरुकुल मटिंडू अध्यापकों और प्राचार्यों ने भाग लिया और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के मिनी ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें 80 अध्यापकगण और प्राचार्य उपस्थित रहे। CBSE की ओर से सतीश पाराशर, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग छोटूराम आर्य कॉलेज सोनीपत, रिसोर्स पर्सन के रूप में पधारे, जिन्होंने अपने सेशन में वित्तीय साक्षरता से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी प्रदान की। विद्यालय पहुंचने पर प्राचार्य ज्योति मलिक और चेयरमैन ब्रिगेडियर सत्यदेव ने उनका बुके प्रदान कर उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में JPH स्कूल खरखुदा के प्राचार्य नरेंद्र सिंह और अमर शिक्षा सदन सिरसा के उप प्राचार्य विपेश कुमार भी पधारे। अंत में सभी प्रतिभागियों को जलपान करवाया गया और सहभागिता प्रमाण पत्र, गुरुकुल कैलेंडर और गुरुकुल की चयन प्रदान की गई। किसमें कितना है दम मल्टी टैलेंट रियलिटी शो का AP गर्ग पब्लिक स्कूल में हुआ आगाज। खरखोदा के सापला मार्ग पर स्थित AP गर्ग स्कूल में किसमें कितना है दम मल्टी टैलेंट रियलिटी शो कराया गया। खरखोदा जोन के अंतर्गत सभी विद्यालयों से उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में, जिनमें डांस, भंगड़ा, गिद्दा, गटका, सिंगिंग पोइट्री, शब्द, एक्टिंग, कॉमेडी, मॉडलिंग, ड्रॉइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, योगा, रैपिंग, क्विज का आयोजन हुआ, जिसमें सभी आयु वर्ग के बच्चों ने भाग लिया। इसमें एकल, युगल या ग्रुप किसी भी रूप से बच्चों ने भाग लिया। उन्होंने सभी स्कूलों के प्रतिभावान बच्चों की अपनी अपनी क्लिपिंग अपने स्टूडियो पर आमंत्रित की है। प्रतियोगिता में खरखोदा क्षेत्र से 1700 बच्चों ने अपनी अपनी रचनाओं को भेजा, जिनमें से 122 बच्चों का चयन किया गया है। इन बच्चों को AP गर्ग स्कूल में ऑन द स्पॉट अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया। इन्हीं बच्चों के प्रदर्शन को जिला स्तर पर प्रदर्शन हेतु चयन किया गया। चयनकर्ता टीम में स्वयं प्रोड्यूसर वरुण और सह प्रोड्यूसर सोनाक्षी के संग में विभिन्न विधाओं में एक्सपर्ट के साथ अलग अलग कक्षा में प्रदर्शन को आंका, जिसका परिणाम 2 दिन बाद घोषित किया जाएगा। वरुण जी ने बताया कि सोनीपत जिले का प्रदर्शन
हम पंजाबी चैनल पर सीधा प्रसारण करेंगे। उनमें से राष्ट्रीय स्तर पर चयन के लिए सीधा पंजाबी चैनल के स्टूडियो में आमंत्रित किया जाएगा। इन बच्चों को लगभग 5 लाख रुपए का पुरस्कार व नगद राशि दी जाएगी। इनके नाम फिल्म प्रोड्यूसर को उनकी कलाओं के साथ भेजे जाएंगे ताकि इन बच्चों को वे अपनी फिल्मों के लिए चयन कर सके। सोनीपत हेरिटेज पार्क हुआ बदहाल। NCR सोनीपत की ओर जहां के पार्कों का भी बुरा हाल है, यह हेरिटेज पार्क की दयनीय हालत हो चुकी है जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, लेकिन सरकार प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फिलहाल यहां पर घास सूख चुकी है, दीवार जगह जगह से टूटकर जर्जर हो चुकी है और पार्क में रोशनी के लिए लगाई गई लाइटें भी टूटी हुई हैं। यहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और आने जाने वाले लोगों के लिए सुलभ शौचालय भी नहीं है। जब इस विषय को लेकर यहां पार्क में पहुंचने वाली महिलाओं से बात की तो उनका दर्द भी छलक आया। खस्ता है जी, ना तो यहाँ पानी है, ना कोई सुविधा है, ना लाइट है, ना कुर्सी है, बस आवे और चले जाओ। सारे पार्क में गंदगी फैली हुई है। ना बोलना चाहते है इसकी कोई सुविधा होनी चाहिए। बिल्डिंग है ये खराब हुई पड़ी है, पानी नहीं, लाइट टूटी पड़ी है, यहाँ कोई सुविधा नहीं। बोल बहुत ज्यादा खेलते है बच्चे, बत्ती डंडा बहुत खेलते है। पार्क का कुछ सुधार होना चाहिए। पार्क में क्या हाल हो रहा है, नाड़ को संगवाना आला, मोटर जली पड़ी है, पानी नहीं, कुछ भी कुछ नहीं आ रहा। आदमी होना चाहिए, करना चाहिए कुछ इसमें पार्क में। जी सारा नुकसान हो रहा जी, पेडे टूटे पड़े, को बाढ़ खिंड रहा, मोटर भी ठाली, पानी बिना दुखी नाम ते सारे मरते आए। यहाँ पर बैठे रहे घर ते एक बोतल लाते, कुछ होता नहीं, इसे नहीं हम बैठ जावा, बहुत बुरा हाल हो रहा है। किसान ना किसान के हित में है, ना गरीब आदमी के हित में है, ना मजदूर के हित में है, ना छोटे व्यापारी के हित में है, ना दुकानदार के हित में है, किसी भी वर्ग के हित में नहीं है। ये आप सब देख रहे हैं, किसान की जो है दुगना भाव करने की बात थी, अब खाद की सब्सिडी कम कर दी और डीजल और पेट्रोल का भाव वही रखा, कोई भी राहत देने का काम नहीं है। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और आपस में भाईचारे का प्रेम बढ़े वो लेके तो चल ही रहे हैं। फिर और कार्यक्रम करेंगे, सब कुछ आया अपने अपने हल्कों में जल्दी शुरू करेंगे और तुरंत जो है जो अपराधी है उनको पकड़ के और उनकी सजा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कानून व्यवस्था नाम की चीज रही नहीं आज प्रदेश में। ऐसा लगता है सरकार है ही नहीं। चाहे आप देखो ना, यहाँ पर किसान मजदूर और महंगाई बेरोजगारी, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आए प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था, आज बेरोजगारी में नंबर है एक है, महंगाई में सबसे ऊपर है और कानून व्यवस्था नाम की तो चीज है ही। AP गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफर नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, डिगेंट्रिक डिजीज ऑफ स्पाइन, सर्विकल एंड लुम्बर, कंजेंशनल हाइड्रोकैपलस, ब्रेन एंड स्पाइन ट्यूमर्स, लुम्बर एंड सर्विकल रेडियोक्लोपैथी, ब्रेन ट्रोमा, स्पाइन ट्रोमा, हेडेक, माइग्रेन। प्लीज कंसल्ट डॉक्टर सुमित दहिया, न्यूरोसर्जन। OPD मंडे टू फ्राइडे 11 AM टू 2 PM, Saturday at 8:30 AM to 11 AM. For more information, please contact 705-65-111-11. बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा, लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स, नेचर अबंडेंट कैंपस, डे स्कॉलर, डे बोर्डिंग फैसिलिटीज, सीनियर एंड वेल क्वालिफाइड अकेडमियन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बेस्ड करिकुलम, स्मार्ट क्लासेस, लैंग्वेज लैब, एक्सलेंट टीचर्स, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।